Yeah. Let me. Is it good? Sorry. एक बार फिर डेली और सज्जन. आओ बैठने. कौन सज्जन है? तो नवनीत हुल्लड़. मुझे पता नहीं इनका कोई हुल्लड़ मतलब से कोई संबंध है या नहीं. ओके. तो नवनीत हुल्लड़ जी एक और हैं. YouTube पे मिल जाएंगे आपको. तो मैंने वहीं से टोका है. रेफरेंस आपने पहले दे दिया. वो रिसर्च में नहीं है ना. या पहले बताया कहाँ तक टोप रहे हैं. मैं जहाँ रहता हूँ उसके सामने एक बहुत बड़ा खुला मैदान है. तो उस पर अक्सर प्रदर्शनियां लगती रहती हैं. लोग तमाशे दिखाते रहते हैं. तो एक साहब गधे के साथ तमाशा दिखा रहे थे. शर्त यह थी कि जो उस गधे का सिर ना में हिलवा देगा उसे 500 रुपए इनाम. क्या सबने कोशिश की, कोई कामयाब नहीं हुआ. मैंने उनसे पूछा मैं ट्राई करूं. उन्होंने कहा कीजिए. मैंने गधे के कान में कुछ कहा. उसने फौरन नाम में सिर ला दिया. गधे वाला बोला तुमने ऐसा उसके कान में क्या कह दिया. मैंने कहा मैंने तो बस इतना ही कहा कि मैं कवि हूं. कविता सुनाओ. खैर वो 6 महीने बाद अपने गधे को और ट्रेन करके ले आए. इस बार शर्त यह थी कि जो उस गधे का सिर पहले हाँ में और फिर ना में हिलवाएगा उसे 1,000 रुपए का इनाम मिलेगा. फिर सबने कोशिश की, कोई सफल नहीं हुआ. मैंने उनसे पूछा मैं ट्राई करूं. उन्होंने कहा कीजिए. मैं गया. मैंने गधे कान में कुछ कहा. उसने हाँ में सर हिला दिया. मैंने उसके कान में फिर कुछ कहा और उसने ना में सर हिला दिया. अब की बार तो उन्होंने मेरे पैर ही पकड़ लिए. बोले गुरु अब की बार आपने क्या कह दिया. मैंने कहा मैंने तो बस इतना ही कहा था. पहचाना. उसने कहा हाँ सुनाऊं.